बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से बात की और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत कर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। मांझी ने बताया कि बिहार सरकार दलितों के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है और SC ST अधिनियम के तहत दर्ज हुए मामलों में दोषी ठहराए जाने की दर राज्य में बेहद कम है। मांझी ने आने वाले लोकसभा उपचुनाव में महागठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सभी एक साथ चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। विशुद्ध रूप में हम दिल्ली आए हुए हैं अपने स्वास्थ्य कारणों से और 30 को हम आए हैं और 6 तक वहाँ रहने का मेरा कार्यक्रम था विभिन्न प्रकार से एम्स में, गंगाराम हॉस्पिटल में। सारे कार्यों का संपादन के उपरांत 5 तारीख जो आज है, यही जरा ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कोई काम नहीं है। तो हम प्रायः अजमेर आते हैं, बाबा के चरणों में अपने माथा को टेकते हैं। आज में ही वर्षों से मेरी ये परंपरा रही है, साल में 2 साल में कभी साल में 1-2 बार भी। तो एक दिन का मेरा लीजर था तो हम सोचा कि क्यों नहीं बाबा का दर्शन करा हूँ। और अच्छी बात मेरे साथ ये बात थी कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी बाबा के यहाँ चलेंगे और फिर पुष्कर भी जा कर के हम दर्शन करेंगे। तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं और बाबा हजरत निजाम साहब का दर्शन हम कर चुके और करके अभी जस्ट लंच लिया है। हम लोग 3:30 क्या दुआएं मांगी है सर बाबा जी? देखिए, हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जहाँ कहीं भी जो प्रतिष्ठित जगह है, आराध्य जगह है, वहाँ पर मांगने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ श्रद्धा भक्ति दिखलानी पड़ती है। हमें इस स्थान से श्रद्धा है और जब कभी भी हम आए हैं हम कुछ मांगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर मांगते हैं तो यही मांगते हैं कि हम में ये सलाहियत रहे कि आपके चरणों में हम आकर के दर्शन करते रहें, यही हमको आप दीजिए। और हम खुशकिस्मत हैं कि इस मायने में पता नहीं जब कभी उद्गार होता है तो हम यहाँ चले आते हैं और हम बाबा का या परमेश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट या अन्य तबके के लोग की जो आज दयनीय स्थिति है उसके और आपस में जो मतभिन्नता है और आरक्षण की आवश्यकता है, वो इसलिए है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें दोष है। आज 70 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने बच्चों को, वो 2 प्रकार की शिक्षा है। एक तो बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख सालाना खर्च करते हैं, और एक वैसा है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जो चटाई पर बैठ के पढ़ता है, जिसको किताब नहीं, जिसको खाना नहीं, जिसको पोशाक नहीं। अब आप जोड़िए, दोनों का जो मेंटल लेवल है एक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि 70 वर्ष के बाद भी आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है उसमें गरीब के बच्चे, जिसमें सवर्ण के भी बच्चे जो गरीब हैं, उनकी स्थिति यही है कि अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, पैसा वाले हैं, वो अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन में पढ़ा करके उनको बढ़िया शिक्षा देते हैं और बाई वर्चू ऑफ दैट वो अपना प्राप्त कर लेते हैं नियोजन या नौकरी। इसमें हमारा कहना है कि बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो लोहिया जी ने भी इसका नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। काश ये बात आज 70 वर्ष में हम लोग कर दिए होते तो आप कल्पना कीजिए, जर्मन जी फ्रांस में या रशिया में या चाइना में 6 वर्ष का बच्चा होता है, 5 वर्ष का बच्चा होता है तो उसके पास नोटिस आती है कि देखो तुम्हारा बच्चा 6 वर्ष का हो गया, तुम सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया, तो लोग एडमिशन दिला देते हैं। अब जोड़ लीजिए, 6 वर्ष के बच्चा एडमिशन सरकारी में लेता है, खाना कपड़ा लगता है, एक साथ खेलना, और 20 वर्ष तक वहाँ रहता है। तो जो बच्चा 14 वर्ष और 15 वर्ष तक एक साथ, चाहे भंगी का बेटा हो,
गरीब का बेटा हो, सवर्ण का बेटा हो, जिसका हो, एक साथ हो प्यार का इजहार करना या फिर हो पेट भरना, मौज मस्ती का मूड हो दोस्तों को खुश करना, जिंदगी को जी ले, कुछ खा पी ले। पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।